ऐसे पब्लिसिटी की हमें जरूरत है नहीं लाइफ में, बट यू नो वी आर गुड फ्रेंड्स. अभी बड़ा बोरिंग सा टर्म हो चुका है कि वी आर गुड फ्रेंड्स कहने के लिए भी. थे यार इस फिल्म को कंप्लीट कर रहे थे हम लोग. आई थिंक एक अच्छी फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है और थोड़ा वक्त देना हर फिल्म को बहुत ज़रूरी है. एक फिल्म जो है मुझे लगता है कि अगर अच्छे से बनाई जाए तो वो 100 फिल्मों के बराबर होती है. तो हम लोगों ने कोशिश की है इस फिल्म में मेहनत करने की और अच्छा बनाने की, तो इसलिए हमें थोड़ा वक्त लगा अब अगली फिल्म के साथ. आप बहुत इश्क लड़ा रहे हैं लखनवी इश्क और ये क्लिक कितना ज़्यादा और इश्क का बुखार भी है, वैलेंटाइन भी है, तो क्या ज़्यादा कुछ खास लगा है आपको इश्क लड़ाने में? नहीं है तो ज़रूर. अभी आप जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बगल में जो है मेरी खूब, दो सेकंड बंद कर दें, मेरी खूबसूरत एक्ट्रेस खड़ी है यहाँ पर. इन्हें मैं डेट के लिए पूछता तो रहता हूँ लेकिन जितनी बार पूछा है रिजेक्ट हो चुका हूँ. शी इज़ थिंकिंग, तो शायद कल वैलेंटाइन है तो शायद मुझे मौका मिल जाए इन्हें डेट पर ले जाने के लिए. बट हमें तो कुछ ऐसा पता चला कि आप रियल लाइफ में क्लिक हो चुके हैं, तो आपका क्या लाइक वही जो कनेक्शन है वो? आई विश ऐसा होता, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़े दिनों से क्लिक अपने आप को करवाने की, लेकिन वो हो नहीं रहा है. बट होपफुली बाय द एंड ऑफ द मे बी व्हेन द फिल्म रिलीजेस मे बी शी विल प्रोबब्ली अलाउ मी टू क्लिक. और इस सेट पे अधर बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे फ्लावर भिजवा देंगे कभी कभी जिस दिन कोई हमारा बड़ा सीक्वेंस होता है, बिकॉज मुझे फूल बहुत पसंद है. और आई थिंक एक अच्छी जब बॉन्डिंग होती है एक दूसरे के साथ तो फूल उसमें बहुत कमाल करते हैं, स्पेशली इन दिस फिल्म बिकॉज इसका नाम है इश्क क्लिक. तो हम लोग थोड़े थोड़े रियल हैं जब तक ये फिल्म खत्म नहीं होती. ऐसा मत बोलो यार, मुझे दुख हो रहा है तुम ऐसा बोल रही हो तो. ऐसा मत बोलो कि फिल्म पैकअप नहीं होता. आज लास्ट दिन है रियली. हाँ, कल मुझसे बात करना. बेसिकली ये फिल्म के प्रमोशन के लिए इतना ज्यादा इश्क दिखाया जा रहा है आप दोनों के बीच? आपने जो रैंप पे, नहीं नहीं एक्चुअली हमारी बड़ी बहुत, नहीं नॉट नॉट फिल्म, नॉट एट ऑल. आई थिंक मी मीन सारा गुड केमिस्ट्री. या वी डू एंड वी बॉन्ड वेरी वेल. आई डोंट थिंक ये सब दिखाने से, आई डोंट थिंक फिल्में चलती हैं और ऐसे पब्लिसिटी की हमें जरूरत है नहीं लाइफ में. बट यू नो वी आर गुड फ्रेंड्स. अभी बड़ा बोरिंग सा टर्म हो चुका है कि वी आर गुड फ्रेंड्स कहने के लिए भी. बट हाँ, मैंने इन्हें फूल भेजा, मैंने इन्हें केक गिफ्ट किया, बिकॉज आई थिंक एज अ प्रोफेशनल शी इज़ बीन अमेजिंग, शी इज़ बीन वेरी अंडरस्टैंडिंग एज अ को-स्टार. और पहली बार मैंने किसी को-स्टार को एक फ्लावर्स भेजा, बुके भेजा और केक भेजा, बिकॉज शी इज़ बीन अमेजिंग एंड यू नो वी लुक रियली गुड टुगेदर ऑन स्क्रीन. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. फ्लावर क्या मायने समझे, क्या मायने, किस इंटेंशन से आपने फ्लावर दिए? दुनिया में मोहब्बत फैलाना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है. तो कौन से कलर का फ्लावर भेजा आपने? मैंने पिंक पिंक लिलीज. चेंज तो नहीं कर रहे? दो आई लाइक व्हाइट फ्लावर्स. दो आई लाइक व्हाइट फ्लावर्स. अरे पूछो व्हाइट भी. आप दोनों में भी एक क्लिक फैक्टर ये है कि दोनों भट कैंप से जुड़े थे. यू स्टार्टेड विद मदर टू एंड यू आल्सो विद राज. या जशन. या तो क्या कुछ जो इश्क क्लिक हुआ है वो इसकी बदौलत ही क्लिक हुआ है? डेफिनेटली आई थिंक हर्ट्स के साथ काम करके एक जो बॉडी लैंग्वेज और एक कंफर्ट लेवल आपको आता है इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई थिंक दैट वाज देयर. और वो लोगों को दिखने वाला है इस क्लिप में फॉर श्योर. सो अध्ययन सुमन तो खुले हम बोल रहे हैं कि वो आपको डेट करना चाहते हैं. आप ही रियल लाइफ में सोच रही हैं उनको डेट करने की? मैं बहुत सारी और बहुत सारी पिक्चरें जिसमें मैं काम कर रही हूँ, सो मैं अभी डेट करने के लिए मेरे पास डेट नहीं है. तो अच्छा अदन, अभी आपने किस का सीन दिया? तो ये किस तो मैं आपको भी कर दूं अभी. तो ये उसमें क्या है, फिल्म में क्या क्या सीक्वेंस है, कहां पे ऐसा आता है, क्या काम है? ये फिल्म में आपको पता चलेगा कि सीक्वेंस किस वक्त आता है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता आपको. अच्छा अध्ययन, मैं आपसे स्पेशली जानना चाहता हूं, कल वैलेंटाइनस डे आपने जो भी किस किया है, अगर यू नो आप उनको काफी दिनों से पीछे ही पड़े बट क्लिक नहीं हो पा रहा है, इन्होंने हानि करी है, नहीं हो पा रहा है, तो व्यूअर्स के सामने अगर आप शायद उनको प्रपोज करेंगे किस अंदाज में और शायद वो मान जाए? वो सिर्फ पूछना चाह रहे हैं कि वैलेंटाइन पे कोई किसी को प्रपोज करे तो कैसे करेगा, जैसा टास्क. आप तो पीछे पड़े, जैसा टास्क किस तरीके से माइट बी लाइक, शायद ही मान जाए आप व्यूअर. आई थिंक मैं एक लाइन ही गा देता हूं अपनी फिल्म से जो एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है. हाउ डज द सॉन्ग सॉरी, मारा तुझे खुदा. हाँ, अरे अजय जी कहाँ हैं? अच्छा चलो, मैं अपनी फिल्म का ही गाना गा देता हूँ. आई थिंक वो गाना रिलीज नहीं हुआ, सो गाना सही नहीं है. आई थिंक मैं अपने जो आई थिंक मेरे लिए खुदा, तुम चाहती हो कि मैं माना तुझे वो खुदा गाऊं? ऑब्वियसली आई थिंक दैट्स अ लव सॉन्ग और वो वैलेंटाइन के लिए भी स्पेशल. हाँ, क्या कैसे शुरू होता है? तुझ पे फना मैं इस तरह, हर पल तेरी ही तिश्नगी, मेरा सुकून मेरा जुनून.
खुशी बस तुझी में महफूज मेरा सारा वजूद तू ही मेरी जिंदगी माना तुझी को खुदा होना न दिल से जुदा माना तुझी को खुदा होना न दिल से जुदा अब तो हाँ कह दो प्लीज हाँ कहना चाहिए ऐसे कि नहीं कोई तो कोई तो कुछ बोले यार ये बड़ी बोरिंग है यार इट्स नॉट फेयर वेरी अनफेयर अच्छा 14 फरवरी बहुत हिस्टोरिक डे माना जा रहा है कल यू नो और ऊपर के जीवन शपथ ले रहे हैं वो कब शुरू हो रहा है वैलेंटाइन एकदम मना रहे थे तो पहले का भी पूछ रहा हूं आप दोनों की क्या उम्मीद है किस चीज से बजट से यार आई डोंट नो जहाँ तक मैं जानता हूँ सब चीज़ों की जो है वो प्राइसेस जो हमेशा हाई रहते हैं लाइफ में और यू नो अभी मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में कमाना शुरू किया मेरे फादर ने बोला कि प्याज के भाव आलू के भाव तुम्हें सीखना बड़ा ज़रूरी है लाइफ में तुम बहुत ही प्रोटेक्टेड फैमिली से खुद जाकर अभी अपनी चीज़ें सीखना खरीदना शुरू करो तो मैंने आज नारियल पानी पिया सुबह वो 40 रुपये का था आज मुझे बहुत बड़ा शौक लगा तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि नारियल पानी का प्राइस जो है वो कम हो But I'm hoping that if Kejriwal comes, of course he's coming tomorrow, and I hope that things change for the betterment of the country and for everybody else in the country. अच्छा अध्ययन सर आप दोनों से जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड कप कितना मतलब क्रिकेट कितना फॉलो करते हैं आप दोनों और वर्ल्ड मैं तो बहुत फॉलो करता हूं यार बहुत एक्साइटेड हूं यार I'm hoping that आज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड इंडिया पाकिस्तान होली के दिन मैं आई थिंक इस वक्त इस टाइम शूटिंग करने वाला हूँ तो आई डोंट थिंक आई कैन प्ले विद कलर्स एनी मोर बट इट्स अ ब्यूटीफुल ओकेजन बट मैं कुछ करने नहीं वाला हूँ इस टाइम सो एक इंडियन टीम को एक वर्ल्ड कप विश और साथ ही वैलेंटाइन की विश भी हाय मैं हूँ अध्ययन सुमन विशिंग द इंडियन टीम ऑल द वेरी बेस्ट आई होप कि आप लोग इस साल भी जो है वो कप हमारे देश पर वापस लेके आए एंड धोनी आई लव यू ऑल द बेस्ट ओके हाय मैं हूँ सारा लॉरेन और जो भी टीम अच्छा खेलेगी मैं चाहती हूँ वो जीते विश यू ऑल द बेस्ट Hi, मैं हूँ अध्ययन सुमन विशिंग ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे व्हाट डू यू वांट टू डू टुगेदर विश हैप्पी वैलेंटाइन डे टू एवरीवन यस हैप्पी वैलेंटाइन डे टू एवरीबॉडी और ये वैलेंटाइन बहुत स्पेशल है कंट्री के लिए एंड जस्ट प्रे कि दैट यू नो दैट सारा एक्सेप्ट्स माय डेट यू नो दिस टाइम सो प्लीज इट हैपेंस